चलो यार आ जाओ, स्टार्ट कर दो बेटा। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग देखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, राइट। किस किस को बुक कीपिंग का क्या क्या यूज़ आ रहा है, यूटिलिटी। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये पेन की यूटिलिटी क्या है, लिखने के लिए मुझे काम आता है। ये पानी की बोतल का यूटिलिटी क्या है, पानी पीने के लिए काम आती है। किसको काम आ रही है, मुझे काम आ रही है। तो वैसे ही हमने यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग देखा था, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग देखा था ओनर को, मैनेजमेंट को, लेंडर को। ओनर को क्या यूटिलिटी है बेटा इसका, ओनर को इसका यूटिलिटी है कि धंधे में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सही बात बोल रहा हूँ ना ओनर, एक ओनर से मिलवाना चाहूँगा मैं आपको सर। अच्छा ठीक है, अच्छा बात तो सुन सकते ना सर। हाँ सर, जस्ट जस्ट स्टार्ट किया। अच्छा स्टार्ट किया यस सर। तो यस टोटल है ना। सो ओनर को क्या क्या यूटिलिटी रहेगा बेटा, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बिजनेस की औकात यानी फिनेंशियल पोजिशन क्या है, बिजनेस में डिसीजंस लेने होते हैं काफ़ी सारे तो उसके लिए फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलने वाली है, बुक कीपिंग से। सो ये हो गया यूटिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूटिलिटी है बोलो बेटा, मैनेजमेंट को ओनर के लिए डिसीजंस लेना होता है उसके लिए फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंडर्स यानी यहाँ पे कौन, जो पैसा उधार दे रहे हैं हमें। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक मेरे लिए लेंडर हो गई, मैंने बाहुबली से पैसा उधार लिया, बाहुबली मेरे लिए लेंडर हो गई। तो बैंक लोन देने के पहले सामने वाले की औकात चेक करती है, ये पैसा वापस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो वो कैसे चेक करेगी, बुक कीपिंग से, यूटिलिटी और यूजर्स ऑफ द बुक कीपिंग है। गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेशन चेक करती है, टैक्स निकालते हैं इनकम पे, और इनकम कहाँ से पता चलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से। इन्वेस्टर के लिए यूटिलिटी है, मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो मैं प्रपोज इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के पहले या इन्वेस्टमेंट करने के बाद बाहर निकलना कि नहीं निकलना उस इन्वेस्टमेंट से डिसीजन लेगा बुक कीपिंग की मदद से। सर कैसे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको, रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं क्या गूगल पे, यस मैं देखूंगा। उसके बाद कस्टमर है, मैंने कस्टमर के लिए एग्जांपल लिया था, मुझे बहुत सारे कैमराज चाहिए मान लो भारत सरकार को, तो कौन सी कंपनी से कैमरा खरीदना, उस कंपनी की कैपेसिटी है क्या। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए अगर बिजनेस को डेवलप करना है, आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस की करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुक कीपिंग से मिलेगी। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय भी उस बिजनेस में आगे जॉब करना नहीं करना, एम्प्लॉय के यूनियन लीडर्स होते हैं ना, एम्प्लॉय लेबर के ट्रेड यूनियन लीडर्स, तो वो एम्प्लॉय सैलरी के लिए हाइक डिमांड कर रहा है, तो कितनी हाइक डिमांड करेगा, मन से कुछ भी कबूतर बोल देगा 10% हाइक डिमांड कर ले तो कर लेगा क्या, नो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी रीड करवाएगा, या तो खुद करेगा या तो किसी से करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से समझ में आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो ये होगी यूटिलिटी। उसके बाद आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अब अच्छे से ध्यान देना। अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की चीज़ है, लाइफ टाइम काम आने वाली है, लाइफ टाइम, जब तक आप कॉमर्स इंडस्ट्री में हो तब तक अच्छे से ध्यान दें। सो ये देखो, लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ, ये है आपका बिजनेस। सही बोला है मैंने, सही बोला है, ये है आपका बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं, व्यवहार, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो सिनारियों को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। पैसा है, पैसे की कीमत में लेन देन हो रहा है तो, बरोबर।
फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या अचार डालना है? नो, फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक कीपिंग की मदद से, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के रूल्स की मदद से हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे। सर, रिकॉर्ड हम लोग जहाँ करते उस बुक को क्या बोलते? उस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री बुक। उस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री बुक, है ना? जर्नलाइज करना, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना, एंट्रिया मारना, यस और नो? रिकॉर्डिंग के लिए एक और बुक है, रिकॉर्डिंग के लिए एक और बुक है। या तो जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो सबसी डायरी बुक। ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं सर। हाँ, इसलिए मैंने अलग कलर के पेन से लिखा। दोनों में से कोई तो एक ही जगह रिकॉर्ड करना है। हमने अभी तक क्या देखा? जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, है ना? वो भी सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देखे, वो भी हमने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देखे, राइट? सब्सिडायरी बुक अभी तक हमने देखा नहीं है। ये पी यानी पेंडिंग है सर। क्यों? क्योंकि आगे इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है। मैं आपको अकाउंटिंग की दुनिया का पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद अब क्या करते हैं? सुनो, अब ध्यान देना। अब कलर चेंज करता हूँ। अब आप लोगों को पता है जर्नल एंट्री बुक में हम लोग सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते। देखो तो ऐसे ही ऐसे रिकॉर्ड करते हैं क्या? देखो तो ज़रा, डेट, पर्टिकुलर्स, है ना? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो कॉलम के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया, आगे आएगा तब देखेंगे। एल एफ, एल एफ, लेजर फोलियो, एल एफ, एल एफ, एल एफ, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं फॉर्मेट जर्नल एंट्री बुक में। तो हमने मशीन खरीदा, मशीन का ट्रांजेक्शन, माल बेचा, सेल का ट्रांजेक्शन, माल खरीदा, परचेस का ट्रांजेक्शन, सैलरी दिया, सैलरी का ट्रांजेक्शन, जो भी है सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम लोग लिखते गए लिखते गए लिखते गए डेट वाइज। अब क्या हो गया पता है क्या? जर्नल एंट्री बुक में सारे ट्रांजेक्शन तो लिख दिए। अब अगर किसी ने आपको अचानक पूछा कि मुझे बता, है ना, पूरे साल भर में कितना सेल हुआ, तो इतनी बड़ी पोथी लेके बैठो और उसमें ढूंढो। जर्नल एंट्री बुक तो बहुत बड़ी हो गई, एक साल के ट्रांजेक्शन है। ढूंढो ढूंढो कौन से पेज पे सेल का है। सेल 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 सेल, बताओ मुझे, यस और नो? तकलीफ होगी ना? सेल के ट्रांजेक्शन, परचेस के ट्रांजेक्शन, फिर सेल का, फिर सेल का, हर दिन सेल तो बहुत सारा रहेगा ना। अब किसी ने अचानक पूछ लिया, ये साल भर के आपके आपको समझाने के लिए 1000 पेज की जर्नल एंट्री बुक भर गई। अचानक कोई आपके पास आया और बोला, बता पूरे साल भर में कितने का सेल हुआ। बाप रे बाप, कैसे निकालोगे? एक साल लग जाएगा सेल की फिगर ढूंढने के लिए। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझा सभी को? क्योंकि हमने सारे ट्रांजेक्शन लाइन से रिकॉर्ड कर दिए ना। खिचड़ी हो गई यहाँ, हल्दीराम का चूड़ा, खिचड़ी, सब मिक्स है इसमें। सिंगदाने, फूटाने, चने, मुरमुरे, सेव, मटकी, भुजिया, सब मिक्स है। सारे ट्रांजेक्शन लाइन बाय लाइन हम लोग करते रहते हैं। तो अब इसमें से किसी ने पूछ लिया तो एक एक ढूंढना पड़ेगा, सेल 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 सेल, और फिर सबकी टोटल करके फिर बताना पड़ेगा कि भैया सेल का इतना है। सो जर्नल एंट्री बुक में हम लोग ट्रांजेक्शन लाइन से लिख तो लेते हैं, लेकिन अब अगर अचानक किसी ने आपसे पूछ लिया कि मुझे सेल का, या सी भी पर स्पेसिफिकली सेल अकाउंट का, या स्पेसिफिकली परचेस अकाउंट का, या स्पेसिफिकली राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सकाराम, तुकाराम, परचेस, सेल, मशीन, कैश, सैलरी, मुझे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो बताओ ये जर्नल एंट्री बुक में से खिचड़ी में से एक 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 एक, है ना, भेल में से मुर्रे अलग निकाल रहे, सेव अलग निकाल रहे, मुरमुरा कितना मुरमुरा हुआ ढूंढो अब टाइम पे, तकलीफ होगी कि नहीं होगी, यस और नो? तो इस झंझट से बचने के लिए ये जो डेटा है सब मिक्स है। हल्दीराम का चिवड़ा, मिक्सचर मिक्सचर, डेटा तो आपने प्रॉपरली लिखा, एंट्री तो आपने प्रॉपरली की, रिकॉर्डिंग तो प्रॉपरली कर लिया जर्नल एंट्री बुक में, लेकिन सब मिक्स है। अब बताओ मैं क्या करूँगा? अब बोलो मैं क्या करूँगा? तो अब ये मिक्स डेटा मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अब यहाँ पे
मशीन का डेटा अलग से, मशीन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना रहा हूँ, ये टी शेप फॉर्मेट को बोलते हैं अकाउंट, है ना। सेल के लिए एक अलग से जगह बना रहा हूँ टी शेप फॉर्मेट, इसमें सारा ढूंढ ढूंढ के 1 2 3 4 सारा सेल का डेटा डाल दूंगा, मशीन में मशीन का डेटा डाल दूंगा, परचेस में परचेस का डेटा, कैश में कैश का, सैलरी में सैलरी का, सब डेटा। जैसे मेडिकल शॉप पे है ना, आप देखो लाखों मेडिसिन होती है, और आप दुकान पे जाते हो, भैया 1 2 रुपए की क्रोसिन देना, उन लाखों मेडिसिन में से वो फट से आपको 2 रुपए की एक छोटी सी क्रोसिन निकाल के दे देता है। कितने जल्दी निकालता है? क्योंकि उसका डेटा क्लासिफाइड है, उसकी मेडिसिन क्लासिफाइड है। उसकी मेडिसिन क्या है? क्लासिफाइड है। सोचो मेडिकल शॉप पे सारी दवाइयाँ ऐसी ढीक बना के रख दी सारी, और आप बोलो भैया क्रोसिन चाहिए, जान ले लेगा आपकी, बोलेगा भैया इतनी सारी लाखों मेडिसिन है, उसमें से क्रोसिन कहाँ से ढूंढूँ। कुछ बात समझ आई क्या? यस और नो? बात समझ आई? पक्का? तो इसीलिए हम लोगों को इस डेटा को क्लासिफाई करके रखना है, अलग अलग छटनी करके रखना है। सेम टाइप का डेटा एक सेपरेट जगह पे, उस सेपरेट जगह को टी शेप फॉर्मेट में लिखते हैं। इस टी शेप फॉर्मेट को प्यार से कहते हैं अकाउंट। सो अकाउंट मतलब क्या है? समरी ऑफ रिलेटेड डेटा, एक टाइप का डेटा, रिलेटेड डेटा एट वन प्लेस इन टी शेप फॉर्मेट, इन टी शेप फॉर्मेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट। सो अकाउंट का मतलब समझ में आया? सो राम के अकाउंट में राम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कार के अकाउंट में कार की इंफॉर्मेशन, सेल के अकाउंट में सेल की इंफॉर्मेशन, सैलरी के अकाउंट में सैलरी की इंफॉर्मेशन, परचेस के अकाउंट में परचेस की इंफॉर्मेशन, सेल के अकाउंट में सेल की इंफॉर्मेशन, एक्सपेंस के अकाउंट में एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन। यस और नो? सो अब जितना भी बुक कीपिंग ने, जो बुक कीपिंग के अंदर में जो भी आपने डेटा एंट्री मारी थी, इसमें से अब काम काम की इंफॉर्मेशन छटनी करके रखना है, ताकि अब मेरे पास अचानक कोई आया, चल बता तेरा एक पर्टिकुलर पीरियड में सैलरी कितना है, रुक अभी बता दो, सैलरी अकाउंट ओपन किया उसमें चेक कर लिया, बता तेरे पास मशीन का कितना बैलेंस है अभी बता दो, बता तेरा परचेस का कितना बैलेंस है, बता तेरा सेल का कितना है, बता तेरा कैश कितना है। सो फट से इंफॉर्मेशन निकलेगी क्या? इसीलिए इस मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया, इसमें से सेल की इंफॉर्मेशन सेल के अकाउंट में, मशीन की इंफॉर्मेशन मशीन के अकाउंट में, परचेस की इंफॉर्मेशन परचेस में, सेल की इंफॉर्मेशन सेल में, कैश की कैश में, कार की कार में, है ना। रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, बरूबर ना, क्योंकि एंट्री से तो रजिस्टर भर गया पूरा। तो अब रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में, देखो ये सेल की इंफॉर्मेशन सेल अकाउंट में, सैलरी इंफॉर्मेशन सैलरी के अकाउंट में, मशीन की इंफॉर्मेशन मशीन के अकाउंट में, परचेस की इंफॉर्मेशन परचेस के अकाउंट में। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? पोस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देना, क्लरिकल वर्क है, आराम से हो जाएगा। पोस्टिंग कहाँ होती है? ये सारी अकाउंट्स जिस बुक में होते हैं ना, ये सारे अकाउंट जिस बुक में होते हैं ना, उस बुक को कहते हैं लेजर बुक, उस बुक को कहते हैं लेजर बुक, LEDGER, लेजर बुक, लेजर बुक, समझा? सो पोस्टिंग कहाँ होती है? लेजर बुक में। लेजर बुक एक किताब है ना, उसमें सारे अकाउंट्स ही अकाउंट्स है, टी शेप फॉर्मेट। सर इसका मतलब जर्नल एंट्री बुक अलग है और लेजर बुक अलग है? हाँ, जर्नल एंट्री बुक अलग है और लेजर बुक अलग है। लेजर बुक में क्या होते हैं? भरे पड़े क्या होते हैं? अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या? समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। समझे? नहीं समझे कि नहीं समझे?
ये प्रोसीजर है अकाउंट की, सिर्फ एंट्री मारने से अकाउंटिंग खत्म नहीं होती, सिर्फ एंट्री मारने से अकाउंटिंग खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे तिनका तिनका आगे बढ़ना पड़ता है। पोस्टिंग के बाद क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग। अब आपने सारी इंफॉर्मेशन तो डाल दिया, ये लेफ्ट साइड जो है ये डेबिट साइड है, ये राइट साइड जो है अकाउंट की क्रेडिट साइड है, सारी इंफॉर्मेशन डाल दिया डेबिट में क्रेडिट में। उसके बाद अगर डेबिट साइड की टोटल आपकी आई 100 रुपये, क्रेडिट साइड की टोटल आपकी आई 80, तो बोलो बैलेंस कितना है फिर यहाँ पे, 20। इस प्रोसीजर को बोलते हैं बैलेंसिंग। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस साइड की टोटल आई है, इस साइड की टोटल आई है 100, इस साइड की आई है 80, तो यहाँ पे आएगा बैलेंस 20, टोटल 100 100 होना चाहिए। समझे क्या? इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। सब लोग साथ में हैं, पक्का? चलो आगे, डन। बैलेंसिंग में बेसिकली क्या है, देखो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी 100, डेबिट साइड की टोटल कम थी 80, तो ये जो बैलेंस आया इस बैलेंस का नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज़्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। जैसे -6 +2 इज इक्वल टू, दोनों साइन अलग अलग है तो डिफरेंस लेना, 6 और 2 का डिफरेंस 4, और आंसर को बड़े नंबर का साइन, ये आंसर है, बड़ा नंबर 6 है कि 2 है, 6, 6 का साइन है माइनस, तो इसको दे देंगे माइनस। ऐसे सिखाया था चौथी कक्षा की टीचर ने। तो उसी प्रकार से क्रेडिट साइड की टोटल थी 100, डेबिट साइड की टोटल थी 80, तो इसीलिए बैलेंस आया 20। अब बैलेंस लिखेंगे डेबिट में, लेकिन इसका नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। कुछ बात समझ आई क्या? पक्का? डन। इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग। सर अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। क्लियर? चलो आगे, डोंट वरी। 5% समझ में आ रहा है ना, बहुत आगे आएगी वापस ये चीजें। मैं आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट का बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। हाँ आ जाओ, लिख दिया। बैलेंसिंग के बाद वही, अगर ये देख लिया मैंने, ये बता दिया क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए क्रेडिट बैलेंस, उल्टा करते हैं। मान लो डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 100, क्रेडिट साइड की आई 80, तो बैलेंस यहाँ पे आएगा 20, है ना, दोनों साइड की टोटल 100 100। डेबिट साइड की टोटल थी 100, क्रेडिट साइड की थी 80, डेबिट की थी 100, डेबिट की टोटल ज़्यादा इसीलिए बैलेंस का नाम 20 का नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। एक बच्चे ने पूछा सर टोटल सेम है तो, कछु ना है, कोई बैलेंस ही नहीं आएगा, टों टों टैली हो गया अकाउंट, टोटल सेम है, सेम है तो स्माइल, कुछ नहीं, नो बैलेंस। जब बैलेंस ही नहीं है तो उसका नाम क्या देना, जब बैलेंस ही नहीं है तो उसका नाम क्या देना। क्लियर? पक्का? सब लोग साथ में, जो बच्चे ने पहले के लेक्चर मिस किए बेटा प्लीज पहले के भी लेक्चर देखना है, बगैर लेक्चर देखे आगे नहीं बढ़ना है, बरोबर? चलो आगे, पक्का? डन। आगे बढ़ता हूँ, है ना, साथ साथ में रोज लेक्चर। जो बच्चे लाइव बैच वाले हैं, रेगुलर बैच वाले, लाइव लाइव जो अभी अटेंड कर रहे हैं, आपने साथ साथ में रोज देखना है, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा एक भी लेक्चर मिस मत करना, ठीक है? आ जाओ, बैलेंसिंग के बाद अब क्या है, बैलेंसिंग के बाद होता है ट्रायल बैलेंस। इसके बारे में अभी कुछ भी बात नहीं करूंगा, बस एक स्टेटमेंट है इतना सोच के रख लेना, बस एक स्टेटमेंट है, क्या है कैसे है सब बाद में देखेंगे, क्या है कैसे है सब बाद में देखेंगे, ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद बनता है आखिरी में फाइनल अकाउंट, साल के आखिरी में।
अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है तब। दैट्स इट, हो गया यहाँ पे दी एंड, अकाउंटिंग का दी एंड। फिर से ये जो इस पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, नेक्स्ट पीरियड में फिर से ओपनिंग बन जाएंगे, फिर से साइकिल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये ही अकाउंटिंग साइकिल है, बताऊंगा कैसे चलेगा, है ना। अभी ना मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, ना इसके बारे में, ना बैलेंसिंग के बारे में, ना पोस्टिंग के बारे में। अभी बस आपको इतना ही आता है, अभी बस आपको इतना ही आता है। क्या आता है? सिर्फ रिकॉर्डिंग। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और वो भी कहाँ पे? जर्नल एंट्री बुक में। डन, सही बात है। मैंने अभी तक पोस्टिंग सिखाया? नहीं। पोस्टिंग के लिए एक सेपरेट टॉपिक है। मैंने सब्सिडायरी बुक सिखाया? नहीं। इसके लिए सेपरेट टॉपिक है। लगाइज था ना, एक बच्चा पूछा, सर अकाउंट में सिर्फ इतने ही टॉपिक है तो इतनी बड़ी बुक क्यों है? ओ हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपकी ये दर्द के बारे में समझ के। अकाउंट की बुक बहुत बड़ी है बेटा, बट अकाउंटिंग में है इतना ही। जिस प्रकार से संसार की उत्पत्ति एक छोटे से बीज से होती है, उसी प्रकार से अकाउंट की उत्पत्ति भी बस एक छोटी सी डायग्राम से होती है। किसी की ताकत का अंदाजा तुम उसके साइज से नहीं लगा सकते। यस और नो? क्लियर? डन? हाँ, अकाउंटिंग बहुत है। 11th में है, 12th में है, CA में है, CS में है, CMA में है, BCom में है, MCom में है, बाप 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 बाप। बट ये ही है बेस सबका, ये ही है। ये बात समझ आई? डन? पक्का? क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, तो इसके बारे में मत सोचना। पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ये तो बस आपको एक झलक दिखाई। क्लियर? पक्का? डन? चल आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो ए मुन्ना, ध्यान देना, हाँ ध्यान देना बेटा, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ। अब सर ये डायग्राम क्यों लिया हमने आज, बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना क्यों लिया। अब ये जो इतना पोर्शन है ना, सुनना, ये पोर्शन जो ऑरेंज कलर के पेन से मैंने लिखा, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ये वाला पोर्शन आपका कहाँ पे आ जाता है? ये पोर्शन आता है आपका बुक कीपिंग में। कहाँ आता है बोलो? बुक कीपिंग में। क्लरिकल वर्क है, रोज का काम है। उठ रहे चंदा वही धंधा, उठ रहे चंदा वही धंधा, रोज का काम है। और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, कौन सा वाला? ये वाला जो पिंक कलर के पेन से मैंने हाईलाइट किया, ये आता है आपका, ये आता है आपका अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटिंग में। कहाँ गए रे? हाँ, ये आता है आपका अकाउंटिंग में, ये आता है आपका अकाउंटिंग में, ये आता है आपका अकाउंटिंग में। तो ये है ऊपर वाला बुक कीपिंग, नीचे वाला है अकाउंटिंग, नीचे वाला है अकाउंटिंग, ऊपर वाला है बुक कीपिंग। कुछ समझ में आया क्या? यस और नो? कौन सा पोर्शन कहाँ पे आए? और
एक और चीज हाँ सुनना सुनना, और हाँ, और ये दोनों भी पोर्शन जहां पे आते हैं इसको क्या बोलेंगे, कोई गेस कर सकता है क्या? ये दोनों भी पोर्शन जहां पे आ जाते हैं, दोनों भी, ये हो गया आपका अकाउंटेंसी, मतलब ये है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। इसमें सबसे ब्रॉडर टर्म कौन सी है बताओ, बोलो बोलो, सबसे ज्यादा ब्रॉडर टर्म कौन सी है? बड़ी अकाउंटेंसी, भारत, बराबर है, समझ में आया क्या? सारी दुनिया आ गई अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग एक अलग स्टेट है, अकाउंटिंग एक अलग स्टेट है, और ये दोनों भी जिसमें आते हैं वो है अकाउंटेंसी। हाँ बराबर है क्या? और ये जो पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग, ये जो पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग को ही प्यार से क्लासिफाइंग भी कह देते हैं, पोस्टिंग को ही प्यार से क्लासिफाइंग, क्योंकि डेटा क्लासिफाई कर रहे हैं ना हम लोग, पोस्टिंग को ही प्यार से हम लोग क्लासिफाइंग कह देते हैं। और सर ये जो नीचे वाला है सर, ये ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट, पूरे साल भर का निचोड़ है, समरी, समरी साल भर का निचोड़ है, समरी। सर ये समरी का अचार डालेंगे क्या? नो, अंबानी के पास इतना टाइम है क्या? ये इतना बड़ा पोथी जर्नल एंट्री का, एक पोथी लेजर पोस्टिंग का, एक पोथी, इतना टाइम देखते बैठेगा? अंबानी के पास इतना टाइम है? अंबानी बोलता, भैया मुझे पूरे साल भर की अकाउंटिंग 10 पेजेस में चाहिए, समरी। क्या तुमने झंडे गाड़े साल भर में? तो उसको फिर क्या चाहिए? अकाउंटिंग, ये फाइनल अकाउंट 10 पन्नों में, पूरे साल भर का अकाउंटिंग का समरी। और इस 10 पन्नों के भरोसे समझ में आ जाएगा साल भर में फायदा हुआ नुकसान हुआ, बिजनेस की औकात क्या है साल के आखिरी में, यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है कि आप कहाँ हो इस ब्रह्मांड के अंदर, कॉमर्स इंडस्ट्री में आप कहाँ पे हो, थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ, यस और नो? क्लियर है क्या? अब थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है आपको, यस और नो? उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको डायग्राम बताया, इस डायग्राम के अंदर में आपने अभी तक पढ़ा क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग पढ़ा है, डेबिट क्रेडिट का रूल इस्तेमाल करके, वो भी सिंपल सिंपल, और उसमें भी हमने सिर्फ जर्नल एंट्री बुक में कैसे रिकॉर्ड करते वो देखा, दैट्स इट। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय। डन, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा। नो, डायरेक्टली टुमारो, टुमारो अगेन इवनिंग 5:30, शाम में 5:30 बजे, सेम समय, सेम प्लेस, सेम आदमी। डन, ओके, बाय, टेक केयर, बाय बेटा। नो सर।